हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ टेक गुरु वेदांश और आज हम DHCP के पार्ट वन में हम DHCP के बारे में पढ़ेंगे। DHCP क्या है, कैसे काम करता है, कैसे इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या इसके लॉस हैं, टाइप ऑफ DHCP आदि के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को मिस ना करें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो करें। व्हाट इज DHCP इन हिंदी? DHCP क्या होता है? DHCP का पूरा नाम है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP का पूरा नाम डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है और यह एक नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग नेटवर्क पर होस्ट को ऑटोमेटिकली IP एड्रेस असाइन करने के लिए किया जाता है। किसी भी PC में या किसी भी होस्ट को ऑटोमेटिक IP देने के लिए DHCP का प्रयोग किया जाता है। अब DHCP PC में कहाँ होता है? जब हम कंप्यूटर के नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे, नेटवर्क सेटिंग में IP वर्जन 4 को सेलेक्ट करेंगे। IP वर्जन 4 को सेलेक्ट करने के बाद जो प्रॉपर्टीज में आप जाओगे तो वहाँ पे इसमें ऑटोमेटिक और मैनुअली IP देने का ऑप्शन मिलता है। तो जब हम इसको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करते हैं, इसका मतलब हम DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। यह होस्ट को IP एड्रेस इसलिए असाइन करता है ताकि ये दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। मतलब एक PC दूसरे PC से ऑटोमेटिकली मतलब उससे कम्युनिकेशन कर सके, उसी नेटवर्क में IP एड्रेस देता है। DHCP को लोकल नेटवर्क के साथ बड़े नेटवर्क पर भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। DHCP एक डिफॉल्ट प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग ज़्यादातर सभी राउटर में और दूसरे नेटवर्क डिवाइसों पर किया जाता है ताकि होस्ट को ऑटोमेटिकली IP एड्रेस मिल सके। किसी भी नेटवर्क में यदि कोई होस्ट दूसरे होस्ट से कम्युनिकेट करना चाहता है तो उसके पास एक यूनिक IP एड्रेस होना जरूरी होता है। यदि उसके पास यूनिक IP एड्रेस है तो वो होस्ट दूसरे होस्ट से उसी नेटवर्क में उससे कम्युनिकेट कर सकता है। और ये IP एड्रेस आप मैनुअली भी दे सकते हैं और मैनुअली दे सकते हैं या फिर नेटवर्क में जा करके आप ऑटोमेटिकली दे सकते हैं। अब ऑटोमेटिकली के लिए आपको DHCP का इस्तेमाल करना होगा। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का काम होस्ट को IP एड्रेस असाइन करना होता है। ये IP एड्रेस ऑटोमेटिक असाइन किए जाते हैं। DHCP एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल होता है और इसका पोर्ट नंबर 67 होता है। होस्ट को IP एड्रेस प्रदान करना DHCP का प्रमुख काम होता है। होस्ट को IP एड्रेस प्रदान करना DHCP का मुख्य काम होता है। लेकिन यह IP एड्रेस के अलावा कुछ और भी इंफॉर्मेशन होस्ट को प्रदान करता है। ऐसी कुछ सामान्य इंफॉर्मेशन की लिस्ट नीचे दी गई है, जैसे IP एड्रेस। एग्जाम्पल के लिए IP एड्रेस 193.123.133.2.1 सबनेट मास्क इसका ये होगा। इस तरह का एग्जाम्पल दिखाएगा कि ये इंफॉर्मेशन देता है। डायनेमिक नेम क्या है, डोमेन नेम क्या है, सॉरी डिफॉल्ट नेम, डिफॉल्ट गेटवे क्या है, DNS सर्वर एड्रेस है जिससे वो कम्युनिकेट जिसके थ्रू ये कम्युनिकेट करेगा, आदि ये इन्फॉर्मेशन है ये होस्ट को प्रदान करता है। अब DHCP के फायदे क्या हैं? DHCP के कारण IP एड्रेस कॉन्फ़िगर में कोई भी गलती नहीं होगी, बड़े आसानी से हम IP एड्रेस असाइन कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आपको IP एड्रेस की लिस्ट को मैनेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी IP एड्रेस खाली होता है या वेकेंट होता है उसको ये ऑटोमेटिकली अपने होस्ट को प्रोवाइड कर देता है। यदि आप होस्ट को किसी दूसरे नेटवर्क में मूव करते तो DHCP उसे नया IP एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा। इसके द्वारा किसी भी नेटवर्क में ना क्लाइंट को ऐड करना बहुत ही आसान है। इसके द्वारा IP एड्रेस को दोबारा से यूज किया जा सकता है। इससे कम IP एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। इसे इम्प्लीमेंट और यूज करना बहुत ही आसान है। ये बहुत सारे इसके बहुत सारे स्कोप है, जैसे मल्टीकास्ट स्कोप, सुपर स्कोप आदि। अब कंपोनेंट ऑफ द DHCP। DHCP के कौन कौन से कंपोनेंट है? DHCP सर्वर एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस है
डीएचसीपी सर्वर एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस है जो कि आईपी एड्रेस और दूसरी इंफॉर्मेशन को स्टोर किए रहता है। ये एक सर्वर या राउटर होता है जो होस्ट की तरह ही कार्य करता है। डीएचसीपी क्लाइंट ये डिवाइस होती है, डीएचसीपी क्लाइंट क्लाइंट ये एक डिवाइस होती है जो डीएचसीपी सर्वर से कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन को डीएचसीपी सर्वर से कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है। यह डिवाइस एक मोबाइल कंप्यूटर और दूसरी डिवाइस भी हो सकती है। आईपी एड्रेस का पूल, आईपी एड्रेस किसके पूल में क्या रखना है, तो ये आईपी एड्रेस की एक रेंज होती है डीएचसीपी क्लाइंट के लिए, एक अवेलेबल रहती है। आईपी एड्रेस को लोएस्ट से हाईएस्ट के क्रम में असाइन किया जाता है। सबनेट आईपी नेटवर्क दो या दो से अधिक सेगमेंट में विभाजित किया जाता है, सबनेट कहते हैं। सबनेट के द्वारा नेटवर्क को मैनेज करना बड़ा ही आसान है। डीएचसीपी रिले ये टीसीपीआईपी होस्ट होता है। अब डीएचसीपी कैसे काम करेगा, डीएचसीपी कैसे काम करेगा उसका एक फिगर दिखाया गया है, चलिए हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले क्लाइंट होता है, सबसे पहले क्लाइंट उपलब्ध सर्विस के लिए डिस्कवर मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है और ये मैसेज नेटवर्क में डीएचसीपी सर्वर को डिस्कवर करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद सर्वर इस मैसेज को रिसीव करता है और क्लाइंट को एक ऑफर मैसेज भेजता है। ऑफर मैसेज के द्वारा सर्वर खुद की मौजूदगी को शो कर देता है। इसके बाद क्लाइंट सर्वर को आईपी एड्रेस और दूसरी इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है। इसके बाद सर्वर क्लाइंट को एक यूनिक एक्नोलॉजमेंट मैसेज के द्वारा इंफॉर्मेशन भेज देता है और उसके लिए एक आईपी मिल जाता है। अभी डीएचसीपी का नुकसान क्या है, डीएचसीपी का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसकी सिक्योरिटी नहीं है। कभी कभी होस्ट को आईपी एड्रेस असाइन करते वक्त आईपी एड्रेस के मध्य कुछ टकराव कुछ वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इसमें इंटरनेट की गतिविधियों को ट्रेस कर पाना मुश्किल होता है। डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन इन किसी भी नेटवर्क में डीएचसीपी सर्वर का महत्वपूर्ण रोल होता है। डीएचसीपी सर्वर को किसी राउटर या स्विच पर कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। यदि आप डीएचसीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो आपके पास नीचे दी गई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास नेटवर्क आईडी होना बहुत जरूरी है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एड्रेस है और पहले से यूज किए जा रहे हैं, आपको नेटवर्क में डिफ़ॉल्ट राउटर का आईपी एड्रेस भी पता होना चाहिए, डीएनएस डोमेन सर्वर जो डीएनएस सर्वर का एड्रेस क्या है उसका पता होना चाहिए। ऊपर वो इन्फॉर्मेशन बताई गई है जो डीएचसीपी सर्वर को कन्फिगर करने के लिए रिक्वायर्ड है। नीचे डीएचसीपी सर्वर को कन्फिगर करने के लिए कुछ स्टेप दिए गए हैं, उन स्टेपों को फॉलो करके हमें डीएचसीपी सर्वर कन्फिगरेशन कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से स्टेप हैं ताकि हम डीएचसीपी सर्वर को हम कॉन्फ़िगर कर सकें। पहला स्टेप है, सबसे पहले आप उस एड्रेस को एक्सक्लूड करते हैं जो पहले से दूसरे पर्पज के लिए यूज किए जा रहे हैं, मतलब जो आईपी एड्रेस रिजर्व हैं वो ऑलरेडी यूज हो रहे हैं उनको हम एक्सक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड मतलब बाहर करेंगे, एक अलग रेंज में रख देंगे। इसके बाद आप सबनेट के लिए यूनिक नेम से पूल क्रिएट करेंगे। पूल क्रिएट करने के बाद आपको नेटवर्क आईडी और सबनेट मास्क सेट करते हैं जो सर्वर होस्ट को आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए इस्तेमाल करेगा। इसके बाद आप डिफ़ॉल्ट गेटवे के एड्रेस को सेट करोगे। इसके बाद डीएनएस सर्वर के एड्रेस को सेट करेंगे। यदि आप पहले से सेट किए हुए हैं तो लीज टाइम को यूज नहीं करना चाहते तो आप लीज टाइम को डे हावर्स और मिनट में भी सेट कर सकते हैं। अब उसका कुछ एग्जाम्पल दिखाया गया है डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन का, जैसे नीचे डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन का एक एग्जाम्पल है। जैसे हम यहाँ पे हमने दिया आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस, तो 192.168.16.1 से लेकर के 16.10 तक का ये एक्सक्लूडेड, मतलब यहाँ से यहाँ तक की रेंज हमने बाहर कर दी है। और डीएचसीपी पूल, ये पूल का नाम दे दिया है। फिर नेटवर्क में हमने ये आईपी एड्रेस दे दिया है। डिफ़ॉल्ट राउटर का जो गेटवे है ये दे दिया है। डीएनएस सर्वर ये 4.2.4.4 कर दिया है। और तो ऊपर दिए गए उदाहरण से ध्यान से देखने से पहले नेटवर्क आईडी है,
और ब्रॉडकास्ट एड्रेस को एक्सक्लूड किया है, नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी। इसके बाद के नाम से एक पूल को क्रिएट किया है, इस नाम से एक पूल क्रिएट किया है, पूल को क्रिएट किया गया है। इसके बाद नेटवर्क और सबनेट मास्क को डिफाइन किया गया है, नेटवर्क को नेटवर्क आईडी के द्वारा डिफाइन किया गया है। इसके बाद डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस सर्वर को डिफाइन किया गया है। सबसे आखिर में लीज टाइम को डिफाइन किया गया है। डिफॉल्ट लीज टाइम 24 घंटे का होता है, लेकिन यदि आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो उसे आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमने डीएचसीपी का बेसिक के बारे में आपको बताया है, और ये मेरे डीएचसीपी का फर्स्ट वीडियो है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके प्रैक्टिकली तौर पे किसी भी राउटर या स्विच में डीएचसीपी कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है ये हम आपको अगले वीडियो में प्रैक्टिकली तौर पे बताएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू वॉच वीडियो।